हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सोनीज़ यम फूड कोर्ट में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 7 ऐसे हेल्दी फूड जो हर एक लेडी को अपनी डाइट में ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है दूध और दही। बढ़ती उम्र में महिलाओं में कैल्शियम की कमी होना एक आम समस्या है। उम्र बढ़ने के साथ ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से बचने के लिए हर महिला को अपनी डाइट में दूध और दही ज़रूर शामिल करना चाहिए। और नंबर 2 पे आता है सेब। सेब उन फलों में से एक है जिनका सेवन हर महिला को ज़रूर करना चाहिए। सेब विटामिन, मिनरल और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यही कारण है कि डॉक्टर भी रोज़ाना एक सेब खाने की सलाह देते हैं। सेब खाने से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ने में मदद मिलती है। सेब में आयरन मौजूद होता है जो महिलाओं में खून की कमी को रोकता है। और नंबर 3 पे आता है ओट्स। कई पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स महिलाओं की सेहत के लिए बेहतरीन माना जाता है। ओट्स डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, आपके दिल को स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखता है। और नंबर 4 पे है सोयाबीन। स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं को प्रोटीन से भरपूर चीज़ें आहार में शामिल करनी चाहिए। सोयाबीन में प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी पाया जाता है। आप सोया के बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 5 पे है ड्राई फ्रूट्स। महिलाओं के लिए ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूरी हैं। मेवा खाने से शरीर में विटामिन ई, विटामिन B12 और कई दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और ताकतवर बनता है। और नंबर 6 पे है सीड्स। महिलाएं अपनी डाइट में सीड्स ज़रूर शामिल करें। सीड्स खाने से बाल, त्वचा और शरीर फिट रहता है। आप तरबूज, कद्दू, सिया, अलसी और सूरजमुखी के मिक्स बीज खा सकते हैं। आंवला। आंवला पेट, आंखों, त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। महिलाओं को अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आंवला ज़रूर खाना चाहिए। आंवला में विटामिन सी होता है, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम भी भरपूर पाया जाता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।